हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी, आज उनका मूड कैसा है, वो आज आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, उनका स्पिरिट, उनका माइंड, उनका सोल आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हो, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सबके लिए है। सोलमेट हो, ट्विंस हो, या आपके क्रश हो, या आपके एक्स हो, या हस्बैंड और वाइफ हो, सबके लिए। रिलैक्स हो जाए, ओपन माइंड हो जाए, इंटेंशन सही रखें। चलिए, यहां देखती हूँ पहले उनका मैसेज क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। रियूनियन, रियूनियन, रियूनियन क्यों आए एंजल्स? स्पाई कर रहे हैं। देखिए, इनको कहीं ना कहीं घबराहट, डर तो है इस बंदे को या बंदी को। आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, या फिर इन्होंने आप की आवाज सुनने की कोशिश की हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। अगर ये बातचीत नहीं करे, ईगो प्रॉब्लम है, तो किसी के नंबर से ये आपकी आवाज को सुन सकते हैं और ये एहसास दिला सकते हैं कि शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, लेकिन उनको एहसास है सिर्फ कि आपकी आवाज से भी उन्हें हीलिंग मिल जाएगी और उनको राहत मिल जाएगी कि आप कैसे हो। ठीक है, अगर ईगो प्रॉब्लम है तो। लेकिन यहाँ पे चाहत और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को फील हो रहा है और बेचैनी भी इनकी बढ़ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको बेहद पसंद करते हैं, शायद आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर उनका कोई रिलेशनशिप है, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है, वो टॉक्सिक है। ठीक है, वो टॉक्सिक है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन चाहत आप हो, प्यार आप हो, और ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो आप उन पर विश्वास करें। आई लव यू कह रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी है, लेकिन आप उन पर विश्वास करें। आई वॉन्ट टू टच यू, हग, गले लगाना चाहते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं आपके बगैर ये बिल्कुल खुश नहीं है। आई एम नॉट फाइन, खालीपन है, नो नथिंगनेस, क्या बात है। थर्ड पार्टी, देखिए कहा ना, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो थर्ड पार्टी है। अगर किसी के पार्टनर अभी भी ईगो से डील कर रहे हैं तो आप पर नजर बहुत रख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर चाहत, प्यार, अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है। वो कहना चाहते हैं कि आप उनको एक बार मौका दें, उन पर विश्वास करें। रोमांस की एनर्जी आ रही है व्यूअर्स, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और किसी के लाइफ में लीगल इशू, ठीक है। कुछ लॉसेस से ये गुजर रहे हैं, फाइनेंस को लेकर थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं डियर, ठीक है। चलिए, यहां से मैं देख लेती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर एक डर है, ठीक है, और कुछ के पार्टनर लीगल इशू से भी गुजर रहे हैं, जहां हो सकता है कुछ लॉसेस से भी गुजर रहे हैं। फाइनेंस को लेकर चिंतित तो रहते हैं डियर, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली है, इनके भाई या बहन, जैसी भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर अपने लाइफ में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वहां थर्ड पार्टी एनर्जी है, जहां ये खुश नहीं है, आपको कहना चाहते हैं, और उन पर आप विश्वास करो। शायद उनको आप भाव नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है डियर कि आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहते हो तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, आपको स्पाइक करें, चेस करें, उनको डर भी है अंदर और ये सो नहीं पा रहे, घबराहट भी इन्हें हो रही है, और ये आपको शेयर करना चाहते हैं, दिल की बात जताना चाहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, बस इनको एक बार मौका दीजिए। हो सकता है इन्होंने कॉल मैसेज किया हो सकता है कि आपने रिसीव ना किया हो सकता है वो आप पर नजर रखते हैं, आप उनको अटेंशन ना दे रहे हो, बहुत तरह की बातें हो सकती है, या इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ा है, आपको इग्नोर किया, आपका दिल दुखा है, जहां आपको चाहिए जस्टिस और आपको जस्टिस वो नहीं दे पा रहे, जिस वजह से आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इस बंदा के अंदर या बंदी जो भी हो, इनके अंदर प्यार जाग रहा है, देख रहे हो, आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आप उनकी जरूरत हो रही हो, आपको गले लगाना चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं कि आपसे मिलकर सारी बातें हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इस रिश्ते को ये बेहतर बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सोच रहे हैं डिसीजन लेने को, क्योंकि ये रियूनियन की एनर्जी आई है, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, रोमांस की एनर्जी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांस करना, ये जो एनर्जी यहाँ पे इनको, पहले तो डियर सोशल मीडिया, ठीक है, कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे हो तो बहुत टेंशन में, भैया आपको कोई ले गया, आप किसी से इंगेज हो गए तो ये तो पूरी की पूरी ही चौपड़ हो जाएंगे इनकी लाइफ,
ठीक है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, लेकिन आपके पर्सन कहना चाहते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, वो अपने आप एक्सप्रेस करके दिखाएंगे कि इस रिलेशनशिप में वो कैसे काम कर सकते हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये कुछ डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये सोने पर थोड़ी स्टक वाली एनर्जी है, एक्शन लेने वाले रीयूनियन की एनर्जी ऐसी तो दिखाई दे रही है, लेकिन शायद आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ तो कोई इनके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जहां इस वक्त आपकी जरूरत हो रही है। ठीक है, लेकिन इनका मूड कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो खालीपन है, आपसे मिलके खुद को ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, जिससे आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। कुछ के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, हो सकता है आपसे मिलने की प्लानिंग करें, रियूनियन की प्लानिंग करें, लेकिन बहुत के पार्टनर अगर इस वक्त आपको सिर्फ स्पाइक कर रहे हैं और आप पर नजर रख रहे हैं, तो कभी किसी नंबर से आपकी तरफ कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इनका ईगो भी रह जाए और आपकी आवाज को सुनकर सुकून भी मिल जाए कि आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन थका हुआ जरूर है, ये हारा हुआ जरूर है, क्योंकि इनको चाहत और अट्रैक्शन इस पर महसूस हो रहा है, क्योंकि रोमांस की एनर्जी, आपके साथ रोमांस करना है, प्यार करना है, रीयूनियन चाह रहे हैं और यहाँ पे किस भी करना चाहते हैं। किस की एनर्जी है, आप लोग में कभी ऐसा कुछ एनर्जी आई होगी तो उस एनर्जी को ये फील कर रहे हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो खुश नहीं है, कहना चाहते हैं लेकिन मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, यानी आपको गले लगाकर बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। इन्हें नींद नहीं आ रही है डियर, ठीक है, इन्हें नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा आप पर नजर रख रहे हैं, आप हो सकता बहुत एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, कुछ भी बस ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं और ये आपको किस भी करना चाहते हैं, आपको मना लेंगे किस कर कर, उनको पता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आप एक मौका दे दोगे, लेकिन ये मौका मांग रहे हैं आपसे, बिलीव कीजिए वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, प्यार पनप रहा है, डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डियर यहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं, तो इनको ट्रिगर भी मिल रहा है और ये पर्सन थका हुआ हारा हुआ। देखिए ऑफर, प्यार, सक्सेस, ग्रोथ, ओ माय गॉड, द डेविल की एनर्जी आ गई, अट्रैक्शन की एनर्जी आ गई ना। देखिए फिजिकली बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त, उनको आपके लिए प्यार अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, प्यार प्यार प्यार, डेविल की एनर्जी, किसी के पार्टनर गुस्से आक्रोश में है, देखिए द मून की एनर्जी दिख रही थी, मैंने लिया नहीं, ये है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या कर रही है या कर रहा है, आपके पार्टनर के कान में आपके खिलाफ गॉसिप, चुगलियां, आपको अलग करने की साजिश, और कहीं ना कहीं डियर आपके पार्टनर थोड़ी देर के लिए ये मिस तो कर रहे हैं, खामोश जरूर है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की बात भी सुनते हैं। अगर कभी कभी आपके खिलाफ कुछ बोल दे तो थोड़ी देर ये कान में ले लेते हैं कि हाँ आपने ऐसा किया होगा, आपने ऐसा किया होगा, और गुस्सा आक्रोश बढ़ता। देखिए इनमें मतलब डेविल की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर गुस्सा भी है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, और ऐसा लग रहा जैसे आप भाव नहीं दे रहे हो, उस पर से थर्ड पार्टी की एनर्जी, इनको लग रहा है कोई सामने आए भैया उस पर, भैया मैं तो उस पर मतलब गुस्सा उतार दूं, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी निकल कर आ रही है, थर्ड पार्टी की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर, और आपके लिए अट्रैक्शन है, प्यार ऑफर करने की सोच रहे हैं, रीयूनियन करने की ये सोच रहे हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर दिव्य शक्ति गाइड करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग में हो सकता है, वेट करें आपके पर्सन, ठीक है, बर्डन महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी इशू आ गई ना, थर्ड पार्टी इशू, हो सकता है मैरिड हो किसी के पार्टनर, मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है डियर, मैरिड तो है, कंफ्यूज्ड भी है, दोनों तरफ भी कभी कभी बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बर्डन महसूस कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं आपसे मिलना, आपको मनाना और आपको पाना, ये इनकी विश है। ठीक है, और मैनिपुलेटिंग लेडी आ गई जो आपके पार्टनर के लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के पार्टनर में टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, और किसी के लाइफ में इनकी मदर सिस्टर हो सकती है जो उनका बोलबाला चलता है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्पाइक कर रहे हैं क्योंकि इनकी तो घबराहट है, लेटर में भी आया है डियर और इस कार्ड में भी आया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कार्ड में भी आया है और लेटर में भी आया है। देखिए
है तो ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं और मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं जो ये नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी तो किंग ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे हैं, गहरी सोच में है। ठीक है, ये पर्सन गहरी सोच में, फीमेल आ चुकी है, मेल भी आ चुके हैं। मतलब ये पर्सन जब जब जिद पर आते हैं, एक नई देख दिया डेथ की एनर्जी, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की ओर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में एक रीयूनियन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन बीच में फादर एंड मदर, कोई फीमेल और मेल कोई भी हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो कोई और हो सकते हैं, लेकिन यह एज गैप की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यह एक नई शुरुआत होने वाली है डियर, ठीक है, एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन मैरिज से रिलेटेड ये इस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इनकी विश फुलफिलमेंट है आप, तो ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया बर्डन। ये अपने लाइफ में प्रेशर और बर्डन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ रीयूनियन, आपसे मिलना, बात करना, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना, ये चाह रहे कि ये भी फुलफिलमेंट हो जाए और बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच भी रहे डियर। लेकिन ये गहरी सोच है, बहुत डीप थिंकिंग है आपके पार्टनर की, बहुत डीप थिंकिंग, बहुत गहराई में है, क्योंकि ये रात में सो नहीं पा रहे हैं, लेट नाइट भी ये जागते हैं। लेकिन ये हो सकता है अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मैरिज नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हो, तो यहाँ पे फादर एंड मदर हो सकते हैं, यानी पेरेंट्स हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी एनर्जी कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर लव मैरिज किया हो पहले से और फिर उसके बाद आपसे की प्यार हुआ हो या फिर रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन ये पर्सन अपने लाइफ में बर्डन महसूस करें, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त चाहते हैं कि किसी तरह बैलेंस हो जाए, थर्ड पार्टी की तरफ बैलेंस चाह रहे हैं और इधर भी बैलेंस चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, खुश नहीं है, मतलब अपने आप को हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो। लेकिन हाँ, बहुत डीप, बहुत गहरी सोच है कि आपको कमिटमेंट देना है, लेकिन यह कंफ्यूजन की भी एनर्जी आई है कि आपको कमिटमेंट तो देंगे बट थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा व्यूवर्स, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो आज नहीं तो कल, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे और आपको अपना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेल एक फीमेल जो है बैठा हुआ है आपके पार्टनर के लाइफ में, तो थोड़ा उन्हें मुश्किल भी हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर अब मिलना चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं और कमिटमेंट देंगे, मैरिज करेंगे आपसे, थोड़ा वक्त लगेगा व्यूअर्स, ठीक है। तो सारे साइन आ चुके हैं, साइन भी बता देती हूँ, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरिस लियो सैजिटेरियस सारे साइन है, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग आई है लेटर में भी। थर्ड पार्टी फीमेल है, मेल भी है, दोनों एनर्जी है, लेकिन आपके पास ना डेविल की एनर्जी में है अपने लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ, और आपके साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनको प्यार करना है, आपसे मिलना है और एक न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन ये कहना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि आपके बिना अधूरे हैं और आपके बिना जिंदगी नहीं चलती। वो कह रहे मैं दिन और रात तुम्हें ही स्पाई करता रहता हूँ, तुम पर ही नजर रखता हूँ, लेकिन यहाँ स्पाई करने का मतलब है डियर, उन्हें डर भी है, ठीक है, आपको खोने का, आपके मूव ऑन करने का, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो जिस तरह आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज करेंगे। मुझे लग रहा है डियर कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अनमैरिड भी है, जहां लव मैरिज करना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनके फादर और मदर नहीं मान रही है। कुछ के आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं तो फीमेल है, कोई मेल है, फादर फिगर जो कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को। किसी के लाइफ में तीन लोग भी हैं, किसी के लाइफ में दो लोग भी हैं, किसी के लाइफ में एक भी है, 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, जहां आपके पार्टनर डीपली सोचते हैं, ये सो नहीं पाते हैं, पास्ट में ज्यादा सोचते हैं, उस वक्त को याद करते हैं, अच्छे बुरे हर वक्त को याद करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको वो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त उनको मौका दें आप, ठीक है, आप उनको मौका दें, शायद बहुत भी आप मौका नहीं दे पा रहे हो और इस वजह से ये पर्सन खामोश है, साइलेंस है, चुप है, लेकिन मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ये कहना चाहते हैं। लेकिन एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है व्यूवर्स, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, अपने पावर में आने वाले, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में फादर फिगर, टॉक्सिक रिलेशनशिप और कोई फीमेल, मेल फीमेल और कुछ लोग के लाइफ में तीन लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं, आप दोनों को अलग करने में लगे हुए हैं और आपके पार्टनर लेट नाइट नहीं सोते हैं क्योंकि आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं, आपकी हर बातों को याद करते हैं, वो फन, वो मस्ती, वो मजा जो आपके साथ एंजॉय किया करते थे, रोमांस, प्यार,
फन, मस्ती, मजा, ट्रैवल, तो ये पर्सन एक बचपने वाली जिंदगी आपके साथ जीते थे, वो पल बहुत अच्छा लगते था, बहुत अच्छा लगता था, उस पल को फिर से ये जीना चाहते हैं और इस वजह से ये पर्सन रात लेट नाइट भी नहीं सो पाते हैं डियर। ख्याल बार बार आता है, बार बार ख्याल आता है इनको, ठीक है, बस ये कह रहे हैं मुझे एक मौका दे दो। सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये सो नहीं पा रहे, एंजाइटी डिप्रेशन भी होता है डियर, लेकिन एक बार आपसे मिल लेंगे, प्यार इकरार हो जाएगा, आपको समझा देंगे, फादर गए साइड में, मदर गई साइड में, इस वक्त सब छोड़कर आपसे ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इनको पता है कि आप इमोशनल हो, आप मान जाओगे, सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, उन्हें भी समझा दोगे और इन्हें भी प्यार सपोर्ट मिल जाएगा, पैम्पर मिल जाएगा। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है, अपनी पावर में आ रहे हैं आपके पार्टनर, द एम्परर की एनर्जी। ये फादर फिगर भी उनके लाइफ में कोई हो सकता है और आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मैं बहुत जल्द अपने पावर में आ रहा हूँ, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ एक नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है और मैं यहाँ कह दूं कि आपके पार्टनर थोड़ा वेट करा सकते हैं क्योंकि अभी भी उनके लाइफ में कोई सिचुएशन सही मैं नहीं देख पा रही हूँ। बर्डन है, प्रेशर है, एंजाइटी है, प्रेशर है, थर्ड पार्टी इशू है, पेरेंट्स है, गार्जियन जो भी हो, लेकिन है इस वक्त वो कह रहे हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा, उन्हें एक मौका दीजिए, मिलजुल कर बातें करेंगे और उन्हें भी प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पैम्पर चाहिए, गलतियों को काउंट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। मैरिज होगी तो थोड़ा वक्त लगेगा, कमिटमेंट देंगे, समय लगेगा लेकिन आपको देंगे। इस वक्त इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और आप किसी तरह सिचुएशन को हैंडल हो जाए। इस विश फुलफिलमेंट की एनर्जी ये है डियर कि इस वक्त ये चाह रहे हैं कि आपको मना लूं और बहुत ज्यादा प्यार भी बढ़ रहा है डियर, द डेविल की एनर्जी है। अपने लाइफ में ये अग्रेसिव है, गुस्सा है थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन इस वक्त आपका प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, आपके साथ किस करना है, अट्रैक्शन फील करना है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, गले लगाना चाहते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में है, ठीक है, आप और प्यार चाहिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसी उनकी एनर्जी है। तो देखिए डियर, जिन जिन लोगों की रीयूनियन होने वाली है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, कॉल मैसेज आ रहा है, अगर आपके पार्टनर से इन सब बारे में बात भी होती है व्यूअर्स, तो जरूर कमेंट में लिखे, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, आप भाव नहीं दे रहे हो, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। यह उनकी एनर्जी है जो आप अपने पार्टनर के लिए खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको लेकर चाहत, रोमांस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डियर। तो थर्ड पार्टी की एंडिंग अभी नहीं हो रही, आप देख रहे हो कार्ड में, थर्ड पार्टी अभी भी नहीं, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ बर्डन, प्रेशर, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहे हैं जहां आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे, ठीक है। तो जिनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनके लिए भी प्रेयर प्रार्थना कीजिए कि आप खुश रहिए और मुझे भी खुश रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी को फॉरगिव करने की जरूरत है। आप उन्हें दिल से माफ करोगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। उनके लिए निगेटिव एनर्जी सेंड करोगे तो फिर वो आपके खिलाफ ही साजिश रचेगा या रचेगी, इसलिए उन्हें भी माफ कीजिए और बोलिए कि हम दोनों को एक होने दीजिए, थैंक यू सो मच। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाए डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।